देश में लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही बने राजनीतिक माहौल के बीच सोमवार को हरियाणा के पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट को समझौता ब्लास्ट केस मामले में फैसला सुनाना था, लेकिन इसे 14 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। इस केस में फाइनल बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला 11 मार्च सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के लिए सोमवार को मामले के आरोपी असीमानंद, कमल चौहान, लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी पंचकुला कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट के बाहर आरोपियों के समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। यार फिर ऊपर कर लिए यार, फिर क्या करेंगे? नीचे लो यार, नीचे नीचे कर लो, तू कर लो। ओ यार, ओ यार थोड़ा पार यार, टेबल गिर जाएगा यार, थोड़ा नहीं कर रहा यार, कैमरा है पीछे, पीछे कैमरा है। आपको बता दें कि पिछले बुधवार को एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट में समझौता ब्लास्ट के मुख्य आरोपी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी कोर्ट के सामने पेश हुए थे। वहीं पिछली सुनवाई में एनआईए के स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दी गई दलीलों का अभ्यर्जन पक्ष के वकीलों ने जवाब दिया था, जिसके बाद बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद उम्मीद थी कि अदालत 11 मार्च को अपना फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था। हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई थी। इस ब्लास्ट में 12 लोग घायल हो गए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। मारे जाने वाले 68 लोगों में 16 बच्चों समेत 4 रेल कर्मी भी शामिल थे। ये ब्लास्ट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवा गांव के दीवाना स्टेशन पे नजदीक हुआ था। इस ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ पंचकुला के स्पेशल एनआईए कोर्ट में केस चल रहा है। इस मामले में 224 गवाहों के बीच बयान अभियोजन पक्ष की ओर से दर्ज हुए थे। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ है। इस केस में कुल 302 गवाह थे, इनमें 4 पाकिस्तानी नागरिक थे।